स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ की सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 100% लक्ष्य रखा है कि हर मानव की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हों उनको 100% पूरा करने का लक्ष्य ही आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उस पर बिहार सरकार पूर्णतः कार्य करेगी। मुझे फख्र है कि बिहार सरकार के जो भी मंत्री हैं वह अपने अपने विभाग में एक नए मानदंड की स्थापना कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है उस पर पूरे बिहार की NDA सरकार उसको पूरा करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। अभी मैं BJP कार्यालय में हूँ। यहाँ पे अभी झंडा तोलन किया गया है जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने किए हैं, और संजय जायसवाल जी ने ये भी बात बोले हैं कि जो विश्व गुरु बनाने का जो सपना है मोदी जी का, वो हम लोग बहुत जल्द ही पूरा करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ की सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 100% लक्ष्य रखा है कि हर मानव की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हों उनको 100% पूरा करने का लक्ष्य ही आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उस पर बिहार सरकार पूर्णतः कार्य करेगी। मुझे फख्र है कि बिहार सरकार के जो भी मंत्री हैं वह अपने अपने विभाग में एक नए मानदंड की स्थापना कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है उस पर पूरे बिहार की NDA सरकार उसको पूरा करेगी। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ की सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 100% लक्ष्य रखा है कि हर मानव की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हों उनको 100% पूरा करने का लक्ष्य ही आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उस पर बिहार सरकार पूर्णतः कार्य करेगी। मुझे फख्र है कि बिहार सरकार के जो भी मंत्री हैं वह अपने अपने विभाग में एक नए मानदंड की स्थापना कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है उस पर पूरे बिहार की NDA सरकार उसको पूरा करेगी। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।